हाय फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे इस चैनल पे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक स्मार्टफोन के ऐप्स के बारे में। स्मार्टफोन के ऐप्स में क्या क्या होता है, कैसे साइज होता है, इसको फास्टर कैसे बनाएं, फ़ोन स्लो कैसे चलता है, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे सेटिंग में। सेटिंग में हम लोग गए, सेटिंग में जाकर के हमें जाना है ऐप्स में। ऐप्स में हम लोग क्लिक किए। ऐप्स में क्लिक करने के बाद कोई भी ऐप्स में हमें क्लिक करना है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग गए गूगल्स ऐप्स में। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, फोर्स स्टॉप अनइंस्टॉल अपडेट्स डिजेबल्स, यहाँ पे क्लियर डाटा। ठीक है, अब क्लियर डाटा के बारे में बात करते हैं। क्लियर डाटा में देखिए, इसमें स्टोरेज है। स्टोरेज में क्या क्या है? स्टोरेज में टोटल है, एफ है, डेटा है। डेटा यानी 63.75 MB, ये जो डेटा यूज किया हुआ है, यानी कि जब आप नेट चलाते हैं, नेट चलाते चलाते जो भी साइट्स आपको ओपन करते हैं वो सारा स्टोर हो जाता है आपके इस ऐप्स में। वही डेटा साइज धीरे धीरे बढ़ते जाता है और ये इसमें स्टोर होता जाता है। तो क्या होता है कि जो साइज ये ऐप्स लेते रहता है उसका साइज बढ़ जाता है और आपका स्टोरेज धीरे धीरे घटते जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस क्लियर डेटा को क्लियर कर देते हैं तो आपका जो स्टोरेज रहता है, यानी कि इस गूगल ऐप्स में जो भी आप सर्च किए हुए रहते हैं वो सारा डिलीट हो जाता है और आपका स्पेस बढ़ जाता है। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूँ, अब गौर से सुनिए। देखिए, क्लियर डाटा को हम यहाँ पर डिलीट कर रहे हैं। ठीक है, या कुछ आपको पॉपअप्स खुलेगा जिसमें आपको वार्निंग देगा कि ऑल दिस एप्स डेटा विल बी डिलीटेड परमानेंटली, यानी कि जो भी इसमें आप सर्च किए हैं अब तक वो सारा डिलीट हो जाएंगे। और दिस इंक्लूड ऑल फाइल्स, सेटिंग्स, अकाउंट्स, डेटाबेस, और इसमें क्या क्या, जो भी फाइल्स रहेगा, जो भी सेटिंग्स सब किए हैं गूगल्स ऐप्स में, जो अकाउंट्स हैं वो सारा कुछ डिलीट हो जाएगा। यानी कि जैसे शुरू में, यानी जब फर्स्ट टाइम आप जब फ़ोन खरीदते हैं, खरीदने के बाद जैसे ही आप ओपन करते हैं वो सारा फीचर शुरू में जैसे होता है बस वैसे ही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद देखिए, ये डेटा क्या होगा, पूरे जीरो हो गया, इसका कुछ साइज घट गया है। ठीक है, अब हम जैसे ही बैक जाएंगे इसका डेटा देखिए घट गया, 285 से लेकर के 222 MB हो गया है। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कॉमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।